नमस्कार, मैं अहिल्याधाम एक बार फिर से आ चुका हूँ। माता अहिल्याधाम अरौली बक्सर संत समागम संस्कृति समागम अहिल्या में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही सुंदर दृश्य होने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मेरा सुबह का व्यू था, आज मैं आप सभी को इस रात्रि का व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भीड़ इतनी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए कितनी भीड़ है। अहिल्याधाम बक्सर, बक्सर में पहली बार ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय, और उम्मीद है कि फिर ऐसी कार्यक्रम फिर आपको देखने को ना मिले। जबरदस्त, मैं आपको पूरे अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ कितनी भीड़ है। यहाँ पे लोगों को विश्राम करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लोग यहाँ विश्राम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम हो रहा है तो आवाज़ आ रही होगी, इसलिए आपको उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनने को मिल रही होगी, परंतु फिर भी हम आपको यहाँ के दिखाने की कोशिश करें। कितनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है, रात्रि व्यू दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ ये भी आए हैं प्रोग्राम को दिखाने के लिए। जगह जगह LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है, कार्यक्रम को सभी लोग देख सके इसके लिए जगह जगह LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है, और काफी मात्रा में LED स्क्रीन के सामने भी लोग बैठकर देखने का आनंद ले रहे हैं। बक्सर में गजब अद्भुत हम आपको आज इस रात्रि व्यू दिखा रहे हैं। पिछले वीडियो मेरा मॉर्निंग का था, जबरदस्त। 11 लाख दिए जलाए गए थे जिसमें श्री राम की प्रतिमा है। अब आपको यहाँ से तो नहीं दिखा पाएंगे, स्काई व्यू होता, लेकिन आपको ये महसूस करना होगा कि ये 11 लाख दिए जलाए गए थे जिसमें श्री राम की प्रतिमा है। और यहाँ बक्सर में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा बनने वाला है जिसका हम सभी साक्षी होंगे। संत समागम में ABP न्यूज भी पीछे नहीं रहा है, अपने प्रचार करने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका है, जिसका कहना है कि आप ABP को डाउनलोड कीजिए। उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज बेहतरीन नहीं आ रही होगी, फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस सिंगर का गाना तो हम भले ही आपको नहीं सुना सकते, लेकिन गजब आवाज, आप इस गाने को सुनने की कोशिश कीजिए। संत समागम बक्सर अहिरौली, यहाँ भंडारा की भी व्यवस्था किया गया है। प्रतिदिन 1 लाख लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, 1 लाख लोगों की व्यवस्था की गई है। शायद पहली बार इतनी बड़ी भंडारा और इतने लोगों का जमावड़ा हुआ है खाना खाने के लिए, अद्भुत है। आप एक बार जरूर आइए। और कल यहाँ पे पवन सिंह जी आ रहे हैं, काफी भीड़ होने की संभावना है। ये भीड़ जो आज आपको दिखाई दे रही है ये 2 गुना हो जाएगी। 1 लाख लोगों को खाना बनाने के लिए यहाँ पर चूल्हा, करीब 500 चूल्हे बनाए गए हैं। 1 लाख लोगों के खाना खाने की व्यवस्था है, यानी कि इतने लोग खाना खिलाने के लिए हलवाई के रूप में काम कर रहे हैं। ये भीड़ हलवाइयों का है जो प्रतिदिन 1 लाख लोगों को खाना बनाने के लिए है। मैं दूसरे टेंट में जा रहा हूँ, वहां देख रहा हूँ कि वहां पे क्या होने वाला है। लोग इस की परिक्रमा कर रहे हैं, ये परिक्रमा करने के लिए लगा हुआ है। रात्रि में भी काफ़ी लोग इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोग इसकी परिक्रमा करने में लगे हैं। रात्रि का समय फिर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग परिक्रमा करने में लगे हुए हैं। देखते हैं कि रात के समय में भी परिक्रमा करने के लिए कितनी लोगों की भीड़ है। रात तो हो चुका है, फिर भी रात में भी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कोई भी पैर में चप्पल नहीं पहना हुआ है, सभी खाली पैर इस यज्ञ का परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम। दिखा देते हैं कि लोग किस तरीके से इस यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। आज पंचकोसी भी है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान कर रहे हैं, और हमको लगता है कि दान किए गए चावल करीब 500 किलो से अधिक का ढेर लग चुका है। लोगों की ये आस्था है कि लोग बोरे में भी चावल दान कर रहे हैं। यहाँ पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आने वाले हैं, जो कि ये बक्सर के लिए गौरव का क्षण होगा। आप आकर देख सकते हैं, जबरदस्त अद्भुत व्यवस्था है। यहाँ से प्रवचन करने के लिए टेंट बनाया गया है,
आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। जब दिन में इसमें भीड़ लगती है तो करीब 1,00,000 तक इस टेंट की क्षमता है जिसमें लोग बैठ सकते हैं। तो आप बक्सर जरूर आएँ, अगर आप बक्सर से हैं तो ऐसी अद्भुत कार्यक्रम आप नहीं देखे होंगे। जबरदस्त अश्विनी चौबे बक्सर सांसद अपने स्पीच दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। जय जय सियाराम आप सुन सकते हैं। जय जय सियाराम, जय हिंद, नमस्कार, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। बड़ी भाव के साथ कल इसी स्टेज पर आप पवन सिंह को देखेंगे, जबरदस्त भीड़ होगी यहाँ पे। आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं आप, बड़ी भाव के साथ देख सकते हैं कितनी अधिक भीड़ है। सम्मानित करेंगी और कल इसी स्टेज पर आप पवन सिंह को सुन पाएंगे। भीड़ जो आज आपको दिखाई दे रही इतनी, कल ये दुगुना हो जाएगी। और माता जी से कि वो पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी का सम्मान करें, अंग वस्त्र प्रदान करके। मैं श्रीमान अर्जित चौबे साहब से गुजारिश करूंगा कि जो प्रतीक चिन्ह है वो पद्म भूषण को सम्मानित करते हुए श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी ने सम्मान किया है भोजपुरी का, माननीय मंत्री जी ने सम्मान किया है लोक संगीत का, माननीय मंत्री जी ने सम्मान किया है देश के उस महान